अगर कोई बंदा जो नशे की ज़िंदगी गुजारता रहा हो और अब रिकवरी में है, तो उसे चाहिए कि अपने माँ बाप की तरफ से कमांड आने दे कि अब तुम्हारा ये स्टैंड ख़त्म करते हैं, या इलाजगाह की तरफ से आना है। अगर ये नहीं आता तो इसका मतलब है कि उस बात की रियलाइजेशन नहीं है कि जो नशे के ज़माने में बंदा करता रहा होता है, अगर उस बात की रियलाइजेशन हो जाए तो आँखों से आंसू थम नहीं सकते। और उस बात की रियलाइजेशन के लिए इंटरवेंशन डाटा प्रेजेंटेशन होती है। इंटरवेंशन डाटा का मतलब है कि वो वाक्यात दोहराते रहना चाहिए। आपको चाहिए कि हफ्ते में एक दिन रखें जिसमें सारे फैमिली मेंबर बैठें इनके साथ और इनको बताएं कि नशे के ज़माने में क्या क्या होता रहा और क्या क्या हम सहते रहे। और ये बात गुस्से में ना करें, आराम से करें, न्यूट्रल मूड में करें, इसको बतौर दवा के इस्तेमाल करें और इसको बतौर सज़ा के इस्तेमाल ना करें। लेकिन पहले से तय होना चाहिए कि हम तुम्हें याद दिलाएंगे, क्योंकि ईमान को भूल गया होगा कि वो क्या क्या करते रहे हैं। और अगर ये पाबंदियां हैं तो ये उसी की वजह से हैं कि जो जो करते रहे हैं तो उसी के सुधार के लिए ये पाबंदियां हैं। और डॉक्टर्स जो भी तजवीज़ करते हैं, मरीज़ खुश दिली से उसको मानते हैं तो फ़ायदा होता है, क्योंकि डॉक्टर्स जो भी तजवीज़ करते हैं वो तकलीफ़ दे होता है, चाहे वो टीका हो, चाहे वो दवा हो, चाहे मिक्सचर हो, चाहे ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट हो। डॉक्टर जो भी करते हैं वो तकलीफ़ दे होता है, तो उसको सब मरीज़ जो हैं सहते हैं और डॉक्टर जो भी तजवीज़ करते हैं वो साथ सॉरी कह लेते हैं, सॉरी ये आपको टीका लगाया आपको दर्द हुई, सॉरी आपको ऑपरेशन किया तो आपको दर्द हुई, और ये कर्टसी होती है। और पेशेंट्स आम तौर पर कहते नहीं कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, हमारे फ़ायदे के लिए, वरना डॉक्टर कोई खैर की खबर तो नहीं सुनाते ना। कभी कहते हैं मिठाई ना खाओ, कभी कहते हैं नमक ना खाओ, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहते हैं वॉक करो, एक्सरसाइज करो। आपने शायद ही कभी देखा हो कि कोई डॉक्टर के पास गए हो, उसने प्रिस्क्रिप्शन लिखी हो कि दो रसमलाइयाँ सुबह दोपहर शाम। खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।